लगा ना कि अधिकारी वर्ग मुमरा में काम करना ही नहीं चाहता। 50 लाख रुपए का मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि वो सेंक्शन हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी हेडिंग डाली गई थी, जैसे मोदी के लिए नहीं डाली जाती, ये योजना आ गई, वो योजना आ गई। मेरे ख्याल से 1.5 लाख या 2 लाख का डब्बा है और बाकी पैसा खा गए, खत्म कर दिए। नमस्कार, मैं सुहानुद्दीन खाना, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा स्टेशन के पास। यहाँ पर एक ठाणे महानगर पालिका द्वारा एक प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ने के लिए जो है एक स्कूल बॉक्स रखा गया था कि ताकि जो प्लेटफॉर्म पर बच्चे रहते हैं उन बच्चों को यहाँ पर शिक्षा मिल सके। लेकिन आप देख सकते हो जो ये स्कूल बॉक्स रखा गया है, इस स्कूल बॉक्स पे ताला लगा हुआ है, यानी यहाँ पर किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं की जा रही। ये बॉक्स जब से रखा है तब से ऐसे ही बंद करके रखा गया। हालांकि जब इस बॉक्स को रखा गया उस समय जो है पेपर की कई सुर्खियां बनी कि ठाणे महानगर पालिका के जो कमिश्नर है संजीव जायसवाल, उनके द्वारा ये स्कूल की स्थापना की गई, स्थापना के बाद कहा गया कि पहला ऐसा स्कूल है जो प्लेटफार्म पर रखा गया है, जो प्लेटफार्म के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद से ये स्कूल बंद है, इसमें कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक बिजली का बॉक्स भी है जो ये सबसे खतरनाक हो सकता है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाने के लिए कि यहाँ पर दिखाएं जो इसमें से वायर निकला हुआ ये इस बॉक्स से टच है। अगर इसमें बाय चांस कभी पढ़ाई भी की जाती है और उसमें अगर बच्चे रहते हैं, अगर इसी तरह से बिजली का कोई तकनीकी खराबी आती है तो इसमें करंट आने की भी समस्या हो सकती है। हम आपको और भी चीज दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो बॉक्स रखा गया है यहाँ पर, इसमें बच्चे तो पढ़ने आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गंदगी यहाँ पर भरपूर है। यहाँ गंदगी दिखाएंगे, यहाँ पर जो स्कूल का भी बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर पेशाब किया जाता है, ये यहाँ पर लोग जो है पेशाब करते हैं। ये मुमरा स्टेशन है, यानी कि एक तरह से जो है देखा हुआ है तो स्वच्छ भारत अभियान की भी धज्जियाँ यहाँ पर खुलेआम उड़ाई जा रही है। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो ये मुमरा स्टेशन है यहाँ से लोग हमेशा आते जाते हैं, लेकिन यही बाजू पर ही लोग यहाँ पर पेशाब करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। रही बात स्कूल की, तो ये स्कूल जो है बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे घूमते हैं उनका कोई भी यहाँ पर शिक्षक नहीं है, कोई भी पढ़ाने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस स्कूल के बारे में हमने बात की जो एनसीपी के महाराष्ट्र सचिव सैयद अली भाई साहब है, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये स्कूल का जो बॉक्स यहाँ पर रखा गया है इसमें बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल का डब्बा रखा गया है, उसमें प्लेटफॉर्म बच्चे जो रहते हैं प्लेटफॉर्म पे उनको पढ़ाने के लिए वो रखा गया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। क्या है ये, क्या मसला है? मैंने कहा ना कि अधिकारी वर्ग मुमरा में काम करना ही नहीं चाहता। 50 लाख रुपए का मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि वो सेंक्शन हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी हेडिंग डाली गई थी, जैसे मोदी के लिए नहीं डाली जाती, ये योजना आ गई, वो योजना आ गई, जो घोषणाएं होती है तो वो घोषणा हुई थी कि प्लेटफॉर्म पे और घूमतू बच्चे जो है उसमें पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वो 1.5 लाख या 2 लाख का डब्बा है और बाकी पैसा खा गए, ख़त्म कर लिए लोगों ने, है ना। अब जो अधिकारी ने खाया उनको आप जाके खुद पूछिए कि जब ये 50 लाख की योजना थी, उसके ठहराव रखा गया था 50 लाख रुपये का, तो उसके अंदर उसमें आज तक कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं है और उसकी घोषणाबाजी करके सारे अखबारों में, वर्तमान पत्रों में। आप कहना क्या चाह रहे कि इसमें भी भ्रष्टाचार है? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, आप नाम बताइए ना खुलकर। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो उससे कनेक्टेड अधिकारी है उसने भ्रष्टाचार किया। आज तक उसमें बच्चा पढ़ता हुआ मैंने देखा नहीं। 1.5-2 लाख का वो है, वो योजना का अगर 50 लाख रखा भी पैसा था तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा है प्लेटफॉर्म पे? खाली घोषणा करके कि ठाणे महानगर पालिका के अंदर हमने रेलवे स्टेशन के ऊपर भी पढ़ाने की कोशिश किया। अरे म्युनिसिपैलिटी का स्कूल तो सही कर नहीं पा रहे हैं, जाके आप देखिए क्या काम वहाँ पे किया इन्होंने, क्या काम किया है। उतना बड़ा स्कूल है, जाके आप देख के आओ ना क्या है वहाँ पे। न टीचर है, न वहाँ पे अभी कुछ अपॉइंट्स हुए, हम लोगों ने हंगामा किया। क्या आप किया, 2 साल से तोड़ के कमिश्नर साहब चले गए इस शहर को, आप जाके पैसा दिया। जब पैसा नहीं था तो नहीं तोड़ना चाहिए था। आज हॉकर्स और आ गए सड़क के ऊपर, और हॉकर्स लोग बढ़ गए, जो टूटी थी वहाँ पे और बड़े बड़े हॉकर्स लगा दिए, दादा लोग लगा दिए, पैसा वसूली होने का धंधा शुरू हो गया। तो कमिश्नर साहब ने मुमरा के लिए क्या किया? कमिश्नर साहब ने जो किया थाना के लिए किया। यानी जो स्कूल का ये डब्बा रखा हुआ है इसमें साफ भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं पूरा भ्रष्टाचार शामिल है इसमें? मैं बता रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी आप लगा लीजिए। मुमरा म्युनिसिपल स्कूल भ्रष्टाचार का अड्डा है
और ये जो है गरीब बच्चों के नाम पे जो योजना बना के पूरे हिंदुस्तान में श्रेय लिया गया कि महानगर पालिका हमारे आयुक्त साहब ने पहली ऐसी महानगर पालिका है कि जिसने जो है स्टेशन पे घूमने वाले बच्चों को भी पढ़ाई की व्यवस्था किया, वो आज तक कब चालू है वो डब्बा, वो ऐसी जगह पे रखा है कि शायद उन विद्यार्थियों का मजाक होगा कि वो गटर के ऊपर वहाँ पे रखा हुआ है जिसमें कोई बच्चा भूल से भी नहीं जाएगा। तो ये महानगर पालिका खाली योजना दे रही है, वो कर रही है और भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि कमिश्नर साहब ने मुमरा में कुछ नहीं किया, मुमरा का एक मजाक बना दिया गया है। सुना कि सैयद अली भाई साहब ने साफ तौर पर कहा है कि जो ये स्कूल का बॉक्स रखा गया है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो करप्शन सामने आ रहा है, करप्शन इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। उन्होंने कहा कि बस जो 50 लाख रुपए तक इसमें खर्चा किया गया है, ये जो कंटेनर है ये कंटेनर करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का आता है। ये सब होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी स्कूली किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे की यहाँ पर शिक्षा नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो मुंबरा में थाना महानगर पालिका की तरफ से स्कूल है उसकी भी हालत ठीक नहीं है, पहले उसकी हालत ठीक की जाए उसके बाद इसको जो है पढ़ाने के लिए इसकी व्यवस्था की जाए। संजू जायसवाल ने सबसे पहला प्लेटफॉर्म में स्कूल लगाकर अपनी वाहवाही तो कर ली, लेकिन आज तक इस स्कूल में किसी भी बच्चे की जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, कोई भी बच्चा इस स्कूल में आया नहीं, सिर्फ ये एक फोटोबाजी और स्टंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबरा।